हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को N95 मास्क के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, N95 का मतलब होता है, N का मतलब होता है नॉन ऑयल बेस्ड पार्टिकुलेट्स। मतलब वहाँ ऑयली जगह जहाँ पे पेट्रोल वगैरह खुदाई होता है तो निकलता है जहाँ से पेट्रोल, वहाँ पे इस टाइप का मास्क हम यूज़ नहीं कर सकते। तो नॉन ऑयल बेस्ड है, मतलब जहाँ पे ऑयल नहीं है वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। यानी नॉर्मली बाजार में, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, हर जगह यू कैन यूज़ दिस। ठीक है, तो इसलिए N का मतलब नॉन ऑयल बेस्ड है। और 95% लिखने का मतलब है कि इट कैन फिल्टर 95% ऑफ एयर। और ये 3M जो लिखा है, 0.3M लिखना चाहिए, यानी पार्टिकुलेट मैटर अगर 0.3M से बड़ा होगा तो ये फिल्टर कर देगा, उससे छोटा होगा तो आ जाएगा। अब चलिए ये समझते हैं कि इस वाल्व का मतलब क्या है, ये क्यों दिया रहता है प्लास्टिक वाला। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, सांस लेने के लिए, सांस लेने के लिए नहीं होता, सांस लेने के लिए, खींचने के लिए। तो ये इसमें इतना गैप होता है जिससे कि आप ब्रीदिंग कर सकते हो, लेकिन जब आपको सांस छोड़ना होता है, एक्सहेल करना होता है जब, तब वहाँ पर ये जो वाल्व है ये काम आता है आपका। ठीक है, ये पूरा वाल्व। ठीक है, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे ये किस मटेरियल का बना होता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये होता है पॉलीप्रोपीलीन होता है, पॉलीप्रोपीलीन। ठीक है, फाइबर का ये बना होता है जो आजकल कोरोना